ओम शांति। अब हम दो तरह से योग अभ्यास करेंगे। पूर्ववत बनकर पहला ग्लोब के ऊपर बैठेंगे। ग्लोब माना धरती का गोला, जैसे श्री कृष्ण बैठे हैं ना धरती के गोले पे, हम तो धरती पर वैसे बैठे हैं। अब चित्र बनाएंगे मैं धरती के गोले के ऊपर विराजमान, उसे ग्लोब कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा मैं ग्लोब भी बोलूंगा और सभी ग्लोब पर बैठेंगे। ग्लोब पर बैठने का अर्थ है हम ग्लोब के मालिक, संसार के मालिक और शिवा सिर के ऊपर चक्र छाया, प्रणाम से नीचे आकर बाबा इधर आ गए, छत्र बन गए, किरण ऐसे कर रहे दूर तक कर रहे नीचे कर रही, उनकी किरणें मुझ में भी समा रही हैं, सारे संसार संकल्प करते हैं। मैं मास्टर दुख करता सुख करता हूँ, इन शक्तियों की किरणों से सभी के दुख समाप्त हो जाए, संसार का हर प्राणी सुखी हो जाए, उनके विघ्न नष्ट हो जाएंगे। दूसरा अभ्यास ये कल्प वृक्ष, उल्टा कल्प वृक्ष है, जड़ें ऊपर बीज के ऊपर नीचे फैला हुआ है। हम प्रैक्टिस करेंगे मैं हरिष्ठा, मैं पूर्व वृक्ष, ऊपर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठेंगे, संकल्प करेंगे बाबा की किरणें मुझ में सनातन नीचे को लेकर वृक्ष में फैल रही है। चले सभी गए ग्लोब के ऊपर, चित्र बनाए अपना अपना बिल्कुल अकेले। मैं पूर्व मास्टर सर्व शक्तिवान, मास्टर दुख करता सुख करता हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, लाइट हाउस माय हाउस, सर्वशक्तिमान शिव बाबा परम धाम से नीचे उतर रहे हैं। अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आगे मेरे सिर के ऊपर बाबा की शक्तियां सारे संसार में फैल रही हैं।
संकल्प करें, सभी के दुख दर्द समाप्त हो जाए। सभी सुखी हो जाए। सबके विघ्न नष्ट हो। ऊपर कल वृक्ष की जड़ों में मैं पवित्रता का परिष्कार हूं, पूर्वज हूं। परिधान से बाहर की पवित्र किरणें उस पर पड़ रही हैं। पवित्र में समाकर नीचे कर रही है, सभी धर्मों को जा रही है। कल्प वृक्ष की एक एक शाखा एक एक पत्ते तक पहुंच रही है। ओम शांति।